हेलो भाई, आप देखने जा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आयुष आने वाला है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरा जो मेरे नया खरीदा है जो लोअर, वो भी आपको दिखाऊंगा। वो मेल है और उसका कलर वगैरह भी दिखाऊंगा। और जो अपने लोअर्स के लिए जो हेल्दी फूड है जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह जो है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा करो, ऑल का ऑप्शन दबा दो। तो फिर चलो देखते हैं। तो गाइस ये देखो, ये मेरा पूरा सेटअप, जैसे कि मटकी, कैल्शियम ब्लॉक, मैंने कैल्शियम ब्लॉक की भी वीडियो बनाई है। ये पानी वगैरह ये साफ किया था तभी भी इतनी गंदगी। तो गाइस ये मेरे पहले के दो पेयर है। और ये देखो, ये ग्रीन वाला एक है, ये मैंने नया खरीदा। ये थोड़ा छोटा है पर ये मैंने नया खरीदा। और गाइस अब होती है हेल्दी फूड और वेजिटेबल्स के बाद, तो मैं ऐसे तीन से चार ऐसे आपको वेजिटेबल्स हेल्दी दिखाऊंगा इनके लिए। तो पहला नंबर पर है फ्रूट। ऐसे फ्रूट आपको कटिंग करके देना है, जैसे कि पपाया या फिर केला या फिर मतलब वेजिटेबल्स में गाजर भी दे सकते हैं आप। और आपको हफ्ते में ये 3 से 4 बार देना है, और उससे आपका जो लोअर की जो हेल्थ है, जो मतलब ब्रीडिंग का प्रोसेस है उससे जो और गाइस दूसरे नंबर पर अभी मैं बताऊंगा दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर है पालक। आपको पालक भी 2 से 3 ऐसे पत्ते रख देने पिंजरे के अंदर, जैसे आपके लोबर्ड से। मेरे 3 है तो मैं 4 से 5 पत्ते रख देता हूँ, तो उतना वो पूरा आराम से खाते हैं। और आपको ये पालक भी आपको जो वीक में पूरे 3 से 4 बार देना है, उससे आपकी बर्ड्स की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। और अभी तीसरा नंबर बताऊंगा मैं। और गाइज अभी तीसरा नंबर है सीड मिक्स। आपको सीड मिक्स देना है, जैसे कि कंगनी या फिर अपना सनफ्लावर्स के जो बीज होते हैं उसके, और मतलब ऐसे अलग अलग जो सीड्स होते हैं उसका आपको सीड मिक्स करके उनको खिलाना है। वो भी आपको मतलब 3-4 बार ये दिन नहीं देना है, आपको हफ्ते में 2 बार दिया तो भी अच्छा होता है। पर आपको वो जो सनफ्लावर के जो बीज है वो ज़्यादा नहीं देने, वो कम देने, जैसे कि लोबर्स के हिसाब से। जैसे मेरे 3 है तो 1 किलो आपको 3 या 2 ही सीड्स रखने हैं। जैसे कि मेरे 3 है तो कितना 2, 2, 4, 5, 6 सीड्स में रखूँगा सनफ्लावर के उसमें। और कंगनी आपको पता होगा, कंगनी का फ़ोटो भी मैं दिखाऊंगा ऊपर। ये देखो आपको दिख रहा होगा ऊपर कंगनी का, और सीड मिक्स का भी फ़ोटो है ऊपर। तो फिर ये था तीसरा नंबर। अब बताऊंगा चौथा नंबर। और गाइज अभी है चौथा नंबर पर कोथिंबीर। आपको कोथिंबीर हफ्ते में रोज़ डालेंगे तभी भी कुछ ये नहीं है। इससे क्या होता है, आपका जो मादा होती है, जैसे कि ये देखो मेरी येलो कलर की मादा है, उसे मैंने कोथिंबीर डाली थी तो वो जल्दी से अंडों पर आ जाती है उससे। और मैंने पिछले 2-3 वीडियो छोड़ के भी मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे डाली थी, वो लिक्विड जो मैंने बनाया था उससे लवंग वंग डाल के मनुका का पानी वगैरह, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और ये कोथिंबीर आपको हफ्ते में पूरा हफ्ता डालेंगे तो भी चलेगा। ये देखो मेरे जो लोबर से सीड एक्सचेंज कर रहे हैं। ये कोथिंबीर आपको थोड़ी सी डालेंगे तो भी चलेगा, वो बहुत ही शौक से खाते हो कोथिंबीर। और उनको जितना आप अच्छा कोथिंबीर डालेंगे उतना ज़्यादा जो मादा होती है वो अंडे देगी। यानी कि आप सपोज मादा देने वाली होती है 5, तो आपके मटकी या फिर ब्रीडिंग बॉक्स में 7 से 8 अंडे आ जाएंगे कोथिंबीर से। तो फिर आप कोथिंबीर ही अच्छा चूज़ करो हेल्दी फूड में। और अब बताऊंगा मैं पांचवा नंबर। और गाइज अभी मैं बताऊंगा पांचवा नंबर। तो पांचवे नंबर पर है पुदीना। आप पुदीना भी आप डालेंगे सिर्फ हफ्ते में आपको 2 बार ही डालना है। ज़्यादा पुदीना लोबर्ड्स के लिए अच्छा नहीं होता, तो आपको सिर्फ 1 से 2 दिन ही डालना है। और फिर इतना ही, आज की वीडियो इतनी होगी गाइज, क्योंकि अब मुझे जितने हेल्दी फूड्स या फिर मतलब जो भी सीड मिक्स पता था उतना मैंने आपको बता दिया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर दबा कर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रुक जाओ और फिर बाय।